और वही गौवंश संरक्षण के नाम पर संचालित गौशालाओं में घपला सामने आया है। जैसलमेर में पशुपालन विभाग की टीम के निरीक्षण में संचालकों की पोल खुल गई है। 25 गौशालाओं का भौतिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान करीब 12 गौशालाओं में एक भी गाय नहीं मिली। बावजूद इसके गौशालाओं के संचालक हर साल अनुदान राशि उठा रहे थे। 6 गौशाला तो ऐसी हैं जिन्होंने हाल ही में करीब 62 लाख रुपए का भुगतान भी उठा लिया है। पिछली बार इन गौशालाओं के 1814 पशु बताकर लगभग 62 लाख रुपए का अनुदान लिया गया। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान सिर्फ 4 गौशालाओं में ही भवन पाया गया। सत्यापन में 12 ऐसी गौशाला सामने आई जिसमें एक ही पशुधन नहीं मिला। इसके साथ ही 9 ऐसी गौशालाएं भी सामने आई जिनमें पिछले साल की तुलना में इस साल गौवंश की संख्या कम पाई गई। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रीकांत जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि गौशाला के नाम पर 62 लाख रुपए का एक घोटाला सामने आया है। सचिन, मैं आपको बता दूं, लगातार जो है फर्जी जो है वो गौशालाओं के मामले सामने आए हैं, और जैसलमेर में एक बड़ा जो है वो घपला सामने आया है, जहां एक गौशालाओं के नाम पर गोरख धंधा चलाकर गौ सेवा का बहाना बनाकर गोरख धंधा चलाया जा रहा है, जिसमें जो है लाखों रुपए का अनुदान उठा लिया गया है गौशाला के नाम पर। लेकिन अगर बात करें भौतिक सत्यापन की, तो उसमें वहां पर गायों जो है वो संख्या कहीं ना कहीं कम नजर आई है। कुछ गौशालाएं तो ऐसी पाई गई जहां पर एक भी गोवंश या पशुधन नहीं पाया गया है। कुल 25 गौशालाओं का भौतिक सत्यापन हाल ही में किया गया था पशुपालन विभाग द्वारा। गोपालन विभाग द्वारा किए गए इस सत्यापन के अंदर 25 में से 12 गौशालाएं ऐसी थी जहां पर एक भी गाय या पशुधन नहीं थी, और 6 गौशालाएं तो ऐसी थी जिन्होंने जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए अनुदान राशि के लिए कुछ भुगतान ले चुके हैं, और आने वाले दिनों में कुछ भुगतान की प्रक्रिया उनकी जारी थी, और उन्होंने पिछले साल करीब जो है 62 लाख रुपए का भुगतान भी लिया है। कुछ गौशालाएं ऐसी नजर आई जहां जो है जो 200 गाय रखने का जो है वो गाइडलाइन बनाई गई है, जो योजना है उसमें 200 गाय जो है वो एक गौशाला में होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी कमी देखने को मिली है। कहीं छाया की व्यवस्था नहीं है, कहीं पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। एक बड़ा जो है वो घपला जो है वो शाम देखने को मिल रहा है। एक घपला उजागर हुआ जिसमें जो है गोवंश के नाम पर गोरख धंधा चलाया जा रहा है, लाखों रुपए संचालकों की जेब में जा रहे हैं, और इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों के लिप्त होने की भी बातें जो है वो सुनने में आ रही है। और अगर बात करें मौके की, तो मौके पर जो है वो गौओं का ना होना और उनके नाम से लाखों रुपए उठना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। न जाने क्यों प्रशासन और सरकार मौन है, लेकिन गायों के नाम पर, गौ माता गौ सेवा के नाम पर जो है एक बड़ी राशि का गबन किया जा रहा है। जी सचिन, ठीक है, बिल्कुल। और ऐसे में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं देखिए, बिना किसी अधिकारी के संरक्षण के इतना बड़ा घोटाला देखने को नहीं मिल सकता। तो क्या अभी तक इस पूरे मामले की जांच में क्या किसी बड़े स्तर के अधिकारी का भी नाम सामने आया है? जी, मैं आपको बता दूं, लगातार जो है वो अधिकारियों पर भी जो है वो एक निशान और सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बड़े अधिकारी के बिना इस तरह के काम होना कहीं ना कहीं मुश्किल नजर आता है। पहले ऊंट योजना की बात करें तो इसी तरह जो है एक योजना थी जिसमें कुछ अफसरों के नाम आए थे, उन्हीं अफसरों का नाम फिर इसमें जो है वो सामने आ रहा है। ऊंट पालकों ने खुले में जो है वो उस योजना में करोड़ों रुपए के घपला करने वाले अधिकारी का जो है नाम उजागर किया था। इंडिया न्यूज़ प्रमुखता की खबर चलाने के बाद उस पर भी जो है वो कार्रवाई हो रही है। उसी प्रकार गोवंश की बात करें तो इन्हीं में जो है उन अफसरों के नाम खुलकर फिर सामने आने की संभावनाएं जताई जा रही है, और अधिकारियों के मेल जोल के बिना इस तरह का जो बड़ा जो कांड हुआ है वो होना कहीं ना कहीं मुश्किल है, क्योंकि ऐसे जो है बड़े अधिकारियों के लिप्त होने के साथ ही छोटे अधिकारी और जो है वो चपरासी लेवल के लोग तक जो है दलाल बनकर सामने आ रहे हैं, जिनमें जो है जो गोवंश है उनको टैग लगाकर करोड़ों रुपए की जो है वो घपले की वारदातें होती रही है। और इस बार जो है वो जो है करीब 62 लाख रुपए तो ऐसी गौशालाओं को मिले हैं जिनमें एक भी गोवंश या जो है वो गौशाला के नाम पर कुछ भी वहां पर कोई भी पशुधन नहीं है, कोई चारा नहीं है, केवल मात्र एक बोर्ड लगाकर इतिश्री कर दिया गया है, और लाखों करोड़ों रुपए
गौशाला संचालकों के नाम से उठा लिए गए हैं, जिन पर अब कार्रवाई जो है नहीं हो पा रही है। बिल्कुल श्रीकांत, ऐसे में अगर हम बात करें तो जी सचिन, क्या आसपास के इलाकों से या फिर जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं, क्या उनकी तरफ से कुछ बातें सामने आई हो, क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो? ऐसा ही एक मामला कुछ दिन पहले आया था जहां 1500 गायें बताई गई थी, लेकिन मात्र वहां 500 गायें प्राप्त हुई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं जो गोपालन विभाग है, पशुपालन विभाग है, वो जो है वो तेज हो चुका है और जांच कर रहा है, भौतिक सत्यापन किए गए हैं। उसी बीच जो विभाग के डॉक्टर उमेश वरगंटीवार के द्वारा हमें ये सूचना मिली थी कि इस तरह से जो है वो गफन और जो है गबन किए जा रहे हैं, गफले किए जा रहे हैं, और अब ये जब उजागर हुआ है, ये गफला प्रकाश में आया है, तो इसमें कई बड़े अधिकारी सामने आएंगे और कई ग्रामीण लोग जो है लंबे ऐसे लगातार शिकायतें भी कर रहे थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं था, उनकी सुध लेने वाला नहीं था। ग्रामीणों का कहना है कि गौ माता, जिन्हें भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में मां का दर्जा दिया गया है, उनके नाम पर करोड़ों रुपए का घफला उन्हें सहन नहीं हुआ। और कई बुजुर्ग ग्रामीण जो है वो पहले जो है पशुपालन विभाग में शिकायत कर चुके थे, लेकिन लंबे वक्त से। बिल्कुल श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। हमारे साथ फिलहाल प्रमोद जैन भैया, जो कि गोपालक मंत्री हैं, वो जुड़े हुए हैं। प्रमोद जैन भैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। एक पूरा मामला जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां पर 25 गौशालाओं का निरीक्षण किया गया और ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग लाखों रुपए का घोटाला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर सरकार और स्थानीय प्रशासन के संज्ञान में ये पूरा मामला है, तो आखिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ऐसा है कि जो अनुदान जो दिया जाता है भरण पोषण का गोपालन विभाग के माध्यम से, उसका भौतिक सत्यापन कराया जाता है और भौतिक सत्यापन कराए जाने के बाद ही अनुदान दिया जाता है। फिर भी आप जो प्रकरण बता रहे हैं, इसकी हम जांच करा लेंगे। अगर इसमें कोई अनियमितता पाई जाती है तो निश्चित उसके संबंधित दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल है, ऐसे में प्रमोद जैन जी देखिए, कहने के सरकार की तरफ से तो पूरी कोशिश की जाती है कि जमीनी स्तर पर तमाम योजनाएं और तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन के तमाम आला अधिकारियों की मिली भगत की वजह से इतना बड़ा घोटाला देखने को मिलता है। तब तो रणनीति क्या रहेगी कि इन तमाम ऐसे करप्शन को, भ्रष्टाचार को कंट्रोल किया जाए? वैसे जो संस्थाएं हैं, जो गौशालाएं चलाती हैं, वो सेवा भाव से काम करती हैं, और बाकायदा जो मैंने पहले भी बताया कि जो अनुदान जो दिया जाता है गोपालन के माध्यम से, उसका पहले पशुओं की संख्या का भौतिक सत्यापन कराया जाता है, उसके बाद में अनुदान दिया जाता है। तो जहां आप बता रहे हैं जैसलमेर की प्रकरण, इसकी हम और विशेष रूप से इसकी ओर दोबारा जांच करा लेंगे। अगर कोई इसमें कोई चीज कमी नजर आती है तो जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, ऐसे में देखिए, आपने यहाँ पर जिक्र किया कि कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी भी, हमें पूरा भरोसा है। लेकिन ऐसे में इंडिया न्यूज राजस्थान ने इस पूरे मामले को बड़ी प्रमुखता से दिखाया है, उजागर किया है और आप तक इस खबर को पहुंचाया है। हम जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरीके से कार्रवाई होगी यहाँ पर। मैं एक उच्च अधिकारियों से इसकी मैं जांच कराऊंगा और निष्पक्ष जब जांच होती है उसमें सब सभी सत्य सही तथ्य सब सामने आते हैं। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल। प्रमोद जैन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, और हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द जल्द कार्रवाई होगी। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।